राष्ट्रीय धनगर महासभा 8वें दिन भी आगरा सदर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी को धनगर प्रमाण पत्र को लेकर किए गए स्पष्ट आदेश को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी तक अमल में नहीं लाया गया है, जिसको लेकर धनगर समाज निरंतर आंदोलित है। आगरा एतमादपुर विधानसभा से विधायक राम प्रताप सिंह चौहान और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद चौधरी बाबूलाल ने राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों के साथ धनगर प्रमाण पत्र को लेकर जिलाधिकारी आगरा से वार्ता की, जहां उन्होंने शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे अधिकारियों की बात जिलाधिकारी आगरा को अवगत कराई। इस मौके पर राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। आज हमारा भूख हड़ताल का 8वां दिन था और हमारे विधायक जी राम प्रकाश चौहान जी ने कल टाइम लिया था, शाम को डिले हो गए, तो आज सुबह 10 बजे का टाइम दिया था और हमारे सांसद जी चौधरी बाबूलाल जी भी आए थे। विस्तार से चर्चा हुई और हर मुद्दे पर चर्चा हुई, तहसीलदार एसडीएम क्या बात है क्यों नहीं, तो आज उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा कहीं कोई रुकावट नहीं है, मैं पहले भी तहसीलदार आप लोग आए थे और मैंने पहले भी एसडीएम तहसीलदारों से कहा था, यहाँ तक लेखपालों तक से कहा था और मैंने आदेश भी जारी किया, हमें कॉपी भी दी उन्होंने, मैं 29 को मिला था तो 29 को ये कार्डर कर दिया था। तो डीएम साहब की हमें कहीं कोई किसी प्रकार की वो नहीं। कल मीटिंग है 4 बजे और वहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक है और सारे लेखपाल एंड तहसीलदार एडीएम एसडीएम जो भी हैं वो बैठेंगे और हमारी भी टीम रहेगी और उसकी अध्यक्षता हमारे डीएम साहब करेंगे। जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, हमारे सांसद जी हैं चौधरी बाबूलाल जी और विधायक जी रामप्रसाद चौहान दोनों रहेंगे। आज धरने का 8वां दिन है, जो धनगर सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे हैं। आज डीएम साहब के यहाँ माननीय सांसद जी और माननीय एतमादपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान जी आए हैं और एक डेलीगेशन धनगर समाज के लोग आए हैं। डीएम साहब की तरफ से पूरा आश्वासन है कि धनगर सर्टिफिकेट जारी होंगे। उन्होंने 31 तारीख में एक शासनादेश भी जारी किया है तहसीलों के लिए। जिस तरीके से खास मुलाकात डीएम साहब के साथ नहीं, डीएम साहब की तरफ से पूरा आश्वासन है, कल शाम को 4 बजे सभी ईडीएम एसडीएम और धनगर समाज का एक डेलीगेशन के लिए। आज कुछ सकारात्मक पहलू दिख रहा है कि हमारे सर्टिफिकेट बनेंगे। डीएम साहब ने कहा है अन्य जिलों में बनने हैं तो आगरा में क्यों नहीं। आज डीएम साहब ने मुलाकात का टाइम राम प्रताप सिंह ने लिया था, सांसद जी ने लिया था, आज उनसे पॉजिटिव बातचीत हुई है। कल के लिए वार्ता के लिए कह दिया गया 4 बजे, 4 बजे फाइनल हो जाएगा समाज के लिए। और मैं समझता हूँ ये पार्टी वाला मैटर नहीं है किसी भी हालात में, ये सामाजिक मैटर है, इसलिए मैं बाबूलाल जी को और राम प्रताप जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए और समाज उनका ऋणी रहेगा अगर इस तरह से बना। आपको बता दें कि सांसद फतेहपुर सीकरी चौधरी बाबूलाल और एतमादपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने धनगर प्रमाण पत्र को लेकर अपनी मनसा साफ जाहिर कर दी है कि अगर शासन के आदेश की अवहेलना अधिकारी करेंगे तो धनगर समाज के साथ हम खुद धरना प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, लेकिन धनगर समाज के संवैधानिक हक को शासन की मनसा के अनुसार दिलाने का कार्य करेंगे। आज धनगर समाज के लोगों के लिए जो सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जा रहे हैं, शासन का आदेश है कि धनगर समाज शेड्यूल कास्ट में है, उसके बावजूद कुछ अधिकारी प्रशासनिक लोग उसमें अड़चन लगा रहे हैं किसी राजनीतिक प्रेशर की वजह से। अगर इन्होंने 10 तारीख तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया तो हम और राम प्रताप जी विधायक एतमादपुर दोनों 11 तारीख से धनगरों के साथ धरने पर बैठेंगे, जब तक या तो प्रशासन 10 तक जारी करे, नहीं तो हम लोग धरने पर। तो जो भी कदम हमको उठाने होंगे कल सत्ताधारी हमारी हम उठाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता। जब शासन का आदेश आ गया उसके बाद कौन होते हैं ये रोकने वाले यहाँ पर लोग, और जब आसपास के जनपदों में बन रहे हैं, अभी एक जानकारी आई कि लेखपालों ने भी रिपोर्ट लगा दी है, उसके बाद कैसे रुक रहे हैं। तो निश्चित रूप से संघर्ष में होंगे, साथ हैं जो भी निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ रहेंगे और ये धनगर समाज को उनका हक मिल गया। निश्चित रूप से अगर ऐसा वो होता है तो जो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी आगरा से मिलने पहुंचे तेज सिंह एडवोकेट राजेश परिहार और प्रेम सिंह बघेल ने विधायक और सांसद की बातों को सराहनीय बताते हुए धनगर समाज को न्याय दिलाने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। समाज का प्रतिनिधि जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है शासनादेश के बावजूद भी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, डीएम साहब से काफ़ी खुलकर बात हुई, उन्होंने आश्वस्त भी किया है। कल 4 बजे एक मीटिंग होती है लेखपाल संघ
डीएम साहब रहेंगे, हमारा समाज का प्रतिनिधित्व रहेगा, जो भी अवरोध आ रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा आज राष्ट्रीय धनगर महासभा की तरफ से माननीय जेपी धनगर जी धरना दे रहे हैं, तो समाज की तरफ से आज डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खास करके कल शायद ऐदमापुर विधानसभा से जो राम प्रताप चौहान जी माननीय हमारे विधायक हैं बीजेपी के, वो लोग भी शायद धरने में आए थे जी। तो डीएम साहब ने समय दिया कि आप समाज के सारे लोग एक प्रतिनिधिमंडल में मिल लो, तो उन्होंने डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि शासन का जो स्पष्टीकरण आदेश है उस पर पासा से जाएंगे और सारी रिपोर्ट लगा के आपके बनाए जाए। पीक सिंह बघेल एडवोकेट, सर्टिफिकेट का मामला स्पष्ट हो गया है। आज हम पूरा धनगर समाज का प्रतिनिधिमंडल, माननीय सांसद जी चौधरी बाबूलाल जी और माननीय विधायक राम प्रताप सिंह जी चौहान के नेतृत्व में डीएम साहब से मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शासनादेश का अक्षर से पालन होगा और शासनादेश स्पष्ट है, अब रुकावट क्यों है इसकी वो कल जानते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों के साथ मिलने पहुंचे सांसद और विधायक धनगर प्रमाण पत्र पर जल्द प्रशासनिक अधिकारी सुलभ निर्णय लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त कराएं और प्रमाण पत्र शासन की मंशा के अनुरूप धनगरों को मिले, उसके लिए जिलाधिकारी आगरा ने कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की है, जिसमें विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होकर धनगरों के अधिकार उन्हें मिले ऐसा निर्णय लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के बीच फंसा आम धनगर को उसका अधिकार दिलाने में विधायक एतमादपुर और सांसद फतेहपुर सीकरी चौधरी बाबूलाल कितना अहम रोल अदा करते हैं। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।